फर्स्ट हमारा आया लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, वो क्या आया, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये हमारा क्या आया, दैट इज एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टू ई फॉर टाइम, एन नॉट मतलब ओरिजिनल, एन मतलब व्हाट इज लेफ्ट, एन मतलब अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी, लेफ्ट एट टाइम टी, और एन नॉट का मतलब बेटा क्या था, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई या अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई व्हेन टाइम इज जीरो, ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, टी टाइम हो गया, लैम्डा क्या था, डीके कांस्टेंट, तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, फिर हमने सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पढ़ा था, हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी हमारे पास दो था, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, दैट इज लॉग बेस ई टू अपॉन लैम्डा, और इसको अगर पूरा सॉल्व कर देते थे तो फाइनल फॉर्मूला था 0.693 अपॉन लैम्डा, सेकंड फॉर्मूला ये पढ़ा था, फिर ग्राफ भी पढ़ लिया था हम लोगों ने, ग्राफ तो देखो ऊपर लिखा हुआ है, ग्राफ तो ऐसे डिके करता था, एक्सपोनेंशियल डिके करता था, इज इट क्लियर, ओके। और हमने कल क्या पढ़ा था, फिर हमने हाँ एक थर्ड फॉर्मूला और पढ़ा था, दैट इज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, हमने बोला था दैट इज एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन टू रेज टू पावर एन, और जो जो एन की वैल्यू थी, एन मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ, एन मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम अपॉन वन हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज टोटल टाइम अपॉन वन हाफ लाइफ, इज इट क्लियर, तो ये ध्यान देना ये सब बातों को तुम लोग, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एन की वैल्यू निकाल दे, यहां पे रख के उसके बाद सॉल्व कर लेना इसको, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिमेंबर दिस वन। तो यहां तक हम लोग ने कर लिया था, जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद आता है हमारा अच्छा हाँ इस फॉर्मूले को तो आई थिंक एक्टिविटी आता है इसके बाद, जस्ट वेट, एक्टिविटी हाफ लाइफ हो गया, देन एक और होता है दैट इज मीन हाफ लाइफ, हाँ एक होता है मीन हाफ लाइफ, मीन लाइफ हो सकते हैं, मीन और एवरेज लाइफ, मीन और एवरेज लाइफ। एक्चुअली मीन लाइफ और एवरेज लाइफ क्या होता है उसको समझने की कोशिश करो, सपोज जितने भी एटम्स होते हैं, सपोज कोई सब्सटेंस है वो डिके हो रहा है, उसमें जितने भी एटम्स हैं सबका डिके जो है वो एक जैसा नहीं होगा, नहीं ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब देखो जो रेडियो एक्टिव डिके होता है ना, जो अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करते हैं, डिके इज जस्ट अ चांस, ऐसा नहीं है कि फिक्स होता है कि हर आइटम जो है इतने टाइम के बाद डिके होगा, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट फिक्स्ड, इज इट क्लियर, रिमेंबर, तो कोई फिक्स नहीं रहता है कि मतलब ये आइटम अब डिके होने वाला है, ये आइटम अब, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि कोई आइटम एक घंटे में डिके हो जाए या दस मिनट में डिके हो जाए, या ये भी हो सकता है कि 10 साल में भी डिके ना हो, ठीक है। तो अगर कोई सब्सटेंस है तो सपोज कर लो उसका कोई आइटम डिके होता है इन वन डे, दूसरा आइटम डिके होता है वन मंथ में, तीसरा आइटम डिके होता है वन ईयर में, कोई फोर्थ आइटम उसका डिके होता है 10 ईयर में, तो डिके का चांस, ठीक है। तो हम सबका मतलब सबकी लाइफ का एवरेज निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मीन लाइफ, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे yes, it is found that
It is found that different atoms or nuclei of a given, actually nuclei better होगा क्योंकि nuclei decay की बात कर रहे हैं हम लोग, nuclei of a given substance decay at different times, वो अलग अलग टाइम में डिके होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब दे हैव डिफरेंट लाइफ, सबकी लाइफ जो होती है वो डिफरेंट होती है, दे हैव डिफरेंट लाइफ टाइम, सबकी जो लाइफ टाइम है वो डिफरेंट है, तो उनका जो एवरेज होता है दैट इज कॉल्ड मीन लाइफ, ठीक है। द एवरेज और एवरेज लाइफ ऑफ द एवरेज लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, द एवरेज लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, ऑल द न्यूक्लियाई कॉल्ड मीन लाइफ, ठीक है, उसको हम लोग मीन लाइफ बोलते हैं, ठीक है। Now, mean life को denote करते हैं, it is denoted by letter tau, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है tau is equal to 1 by lambda, डेरिवेशन पे मत जाना, डेरिवेशन नहीं आएगा तुम्हारे बुक्स, ठीक है। और थोड़ा सा डेरिवेशन भी कॉम्प्लिकेटेड भी है, मतलब थोड़ा मैथ्स में यूज हुआ है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वो नॉर्मली बच्चे पढ़ते नहीं है इसमें, तो मैथ्स के टीचर ही समझा सकते हैं कुछ, ठीक है। तो tau is equal to 1 by lambda, lambda मतलब डीके कांस्टेंट, और tau का मतलब होता है दैट इज मीन लाइफ, मतलब एवरेज लाइफ। इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखना, दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला। कॉपी ऑन दिस वन, ऊपर से लिखना है? नहीं, अच्छा ऊपर से लिखना है, अच्छा तो फॉर्मूले से लिख लीजिए।
स्क्रॉल डाउन। Done, sir. Okay. Now, of inter-between relation we need to ask then. Done, sir. अच्छा, inter-between relation में निकाल सकते हैं, ये भी important है. Relation between mean life and half life. Relation between इसको भी numerical आ सकता है. Between half life and mean life, average life or half life में. तो दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है. तो फॉर्मूला क्या होता है, लुकिए अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, और मीन लाइफ क्या होता है, मीन लाइफ इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू 1/λ. तो सॉल्विंग 1 एंड 2, आप 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं, 1 एंड 2. तो p हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, दैट इज 0.693 इंटू टॉ, ऐसा बन सकता है. और तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो टॉ इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/0.693 क्या हो जाएगा, एक मिनट, 1/0.693, हाँ 1.44 टी हाफ. सॉल्व करके दे दिया है, आप लोग क्या करिएगा, अगर टी हाफ दिया है तो टॉ निकाल लेना, और टॉ दिया है तो टी हाफ निकाल लेना. इज क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको. अच्छा, अब हम लोग जरा आते हैं एक्टिविटी को, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्टिविटी. एक्टिविटी एक्टिविटी को जो है बहुत सी बुक में, आपके बुक में बोर्ड्स में ए से डिनोट किया गया है, और बहुत सी बुक में आर से भी डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना. ठीक है, ए फॉर एक्टिविटी, ए फॉर एक्टिविटी. एक्टिविटी क्या होता है, रेट ऑफ डीके को हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं, रेट ऑफ डीके कॉल्ड, रेट ऑफ डीके कॉल्ड एक्टिविटी. इज इट क्लियर, जैसे ये रेट ऑफ डीके मतलब क्या था हमारा, डीएम बाय डीटी. तो लिख लीजिए इसको, दैट इज एक्टिविटी क्या होता है, द रेट ऑफ डिके कॉल्ड एक्टिविटी. रेट ऑफ डिके कॉल्ड एक्टिविटी.
तो एक्टिविटी को चलो हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं, तो रेट ऑफ डीके, तो एक्टिविटी क्या होता है आपके बुक में, ए से किया गया तो बी ए से कर देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या होता है, रेट ऑफ डीके, तो एक्टिविटी क्या होता है, दैट इज डीएन बाय डीटी, रेट ऑफ डीके मालूम था, डीएन बाय डीटी हम लोग ऊपर कर चुके थे, देखो जरा वापस जाते हैं, हम लोगों ने कल किया था, देखो ये रेट ऑफ डीके क्या था बेटा, देखो ये यहाँ पर जब स्टार्ट किया था डीएन बाय डीटी, इसको हम लोग रेट ऑफ डीके बोलते हैं, रेट ऑफ डीके मतलब डीएन बाय डीटी, ठीक है, कल किया था हम लोग, तभी तो शुरुआत की थी, रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो वही रेट ऑफ डीके को आप क्या होता है एक्टिविटी बोल सकते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ डीके कॉल्ड एक्टिविटी। वापस आता तो डीएन बाय डीटी, वैसे वैसे एन की वैल्यू है क्या, अच्छा वैसे डीएन बाय डीटी क्या था आपको मालूम है, दैट इज डीएन बाय डीटी हम लोग निकल किया था, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन किया था, वी गेट अ कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू लैम्डा एन, ऐसा हम लोग ने किया था ना, लैम्डा एन, ठीक है, तो हम इसकी जगह चाहो तो सिर्फ लैम्डा एन भी लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज एक्टिविटी इज इक्वल टू दैट इज लैम्डा एन, ऐसे लिख सकते हैं। और कल हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा डी, तो इसकी जगह पे हम जो होता है ये भी लिख सकते हैं, दैट इज एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा डी। देखो ना ऐसा फॉर्मूले कहां से आ रहा है, फिर से आपको स्क्रॉल करके समझा रहा हूं, ये था हमारा रेट ऑफ डीके, देखो ये है रेट ऑफ डीके डीएन बाय डीटी, जब पूरा सॉल्व करते थे तो एन की वैल्यू भी निकल आती थी ना हमारे पास, एन का फॉर्मूला भी आता था, ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं, दोनों फॉर्मूले को ला रहे हैं, तो हमने क्या किया, जैसे ये रेट ऑफ डीके को एक्टिविटी बोला, मतलब डीएन बाय डीटी को हम लोग एक्टिविटी बोलेंगे, और डीएन बाय डीटी प्रोपोर्शनल टू एन था, प्रोपोर्शनल साइन हटाते थे लैम्डा आता था, दैट इज डीके कॉन्स्टेंट, तो उसको यहाँ पे रख दिया, फिर एन की वैल्यू उठा के रख दी, ठीक है, तो फिर n की वैल्यू भी हम लोग ने यहाँ पे ला के रख दिया इधर, तो फिर हमारा फॉर्मूला ऐसा हो गया। अच्छा a इज इक्वल टू, इसको जो है ना हम लोग a नॉट बना लेते हैं, a नॉट दैट इज a नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t, देखो दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम आ गए बेटा, ये दोनों फॉर्मूले देखो सेम आ गए, तो चाहे अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई बोलो चाहे एक्टिविटी बोलो फॉर्मूले सेम आते हैं, हाँ लेकिन फर्क क्या होता है, यहाँ पे एन नॉट है, यहाँ पे ए नॉट की जगह, ए नॉट हमने किसकी जगह पे लिया, लैम्डा एन नॉट की जगह पे लिया, तो इसका मतलब दिस इज अ फॉर्मूला एक सेकंड, हाँ, where a naught is lambda into n naught, तो इनफैक्ट दोनों की ये फॉर्मूले सेम आ रहे हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है, कॉम्प्यूटर दिस वन,
अच्छा तो सबने कर लिया ना। अच्छा फॉर्मुलेस की लिस्ट बना लेते। अच्छा इसकी पहले यूनिट बता देते हैं, उसके बाद करते हैं। हाँ एक मिनट। हाँ यूनिट ऑफ एक्टिविटी, यूनिट ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी की यूनिट क्या होगा? ठीक है आप कुछ भी कर लीजिए, यूनिट ऑफ एक्टिविटी ए से भी कर सकते हैं, आर से भी कर सकते हैं। एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? दैट इज एक यूनिट होती है दैट इज क्यूरी, सी आई, दैट इज क्यूरी, सी यू आर आई ई, क्यूरी। ठीक है और वन क्यूरी होता है नियर अबाउट, वन क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻¹⁰ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेक होना, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। कुछ लोग इसको शॉर्ट में डीपीएस भी बोलते हैं। देन वन मिली क्यूरी, देन वन मिली क्यूरी कितना होगा? That is 3.7 millimeter 10⁻³, so 7 dps. 1 micron curie, that is 3.7 × 10⁴ dps. Aur iska एक रदरफोर्ड भी होती है। नहीं ठीक है, इतना ठीक है डीपीएस। अच्छा डीपीएस को जो है ना बैकबैरल भी बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को डीपीएस जो है ना, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड डीपीएस आल्सो कॉल्ड बैकबैरल। बैकबैरल नेम ऑफ पर्सन। उसको बैकबैरल भी बोलते हैं, तो डीपीएस बोलेंगे तो भी चलेगा। DPS का फुल फॉर्म होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, रिमेंबर दिस वन। Boys and girls, लिख लिया? One second. अच्छा लास्ट, अब सारे फॉर्मूलेस को रिलेट कर देते हैं जरा। फॉर्मुलेस क्या आ गए हमारे पास? n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक्टिविटी वाला भी आ गया, a इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। फिर हमारे पास एक वो भी फॉर्मूला था, दैट इज एक सेकेंड, n upon n naught 1 upon 2 raised to power n, यहाँ पे वही सिमिलरली ये भी आ जाएगा a upon a naught 1 upon 2 raised to power n, n मतलब number of half life, यहाँ पे भी n का मतलब number of half life। तो कहने का मतलब जो तुम्हारा एन का फॉर्मूला था तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है तो यार ये भी फॉर्मूलेस कंपेयर करके मैंने लिख लिया, क्योंकि एक मिल गया तो दूसरा भी कंपेयर कर लिया फिर हमने। ठीक है नाउ दिस फिनिशेस चैप्टर। ठीक है बाकी जो है सब वो डिलीट कर दिया गया आपके सिलेबस में। ठीक है काफी थ्योरी टाइप का होता वो, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह जो है ना वो सब डिलीट कर दिया गया। ठीक है so
तो अब अच्छा हाँ, इसको यूज कैसे करेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है वो तो बता दे, रुक जाओ हाँ एक मिनट, यूज कैसे करेंगे, हाँ लिख लिया इसको, लिखना है कैसे रही है? लिख लो, दूसरा वाला तुम्हारे पास नहीं होगा ना इसलिए। हो गया? डन सर। हाँ सी अब इसको यूज कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला तो बना दे, जैसे हाँ न्यूमेरिकल कैसे करोगे, मान लो सपोज कर लो कि तुम्हें सपोज कर लो ये वाला आ जाता है, चलो ये वाला ले लेते हैं, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, थोड़ा उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाना हो तो कैसे करेंगे, तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेना, देखो तुम हाँ तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना इसको इधर तो क्या हो जाएगा, e raise to power lambda t is equal to n not upon n, ऐसे बन जाएगा ना, फिर दोनों तरफ तुम log ले लेना, तुम्हें सिखा रहे हैं मतलब कैसे करना होगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log वैल्यू मत रखना पहले, log ऑन बोथ साइड, log बेस e ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा lambda into t is equal to log base e n not upon n, ठीक है ऐसा हो जाएगा कि नहीं, अब तुम्हें t मिल जाएगा, t is equal to log base e n not upon n 1 by lambda, अच्छा आपको मालूम है कि log base e को log base 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, by multiplying 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो log base 10 में आ जाता है, तो एक्चुअली ये 2.303 log base 10 में आ जाएगा फिर हमारा, तो हमारा फिर फॉर्मूला थोड़ा सा और चेंज हो गया, दैट इज 2.303 अपॉन लैम्डा log base 10 एन नॉट अपॉन एन, ऐसा बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, अच्छा लैम्डा दिया है तो अच्छी बात है, तब तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन अगर लैम्डा नहीं दिया है तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको कैसे करेंगे, तो फिर हाफ लाइफ भी ला सकते हैं, जैसे मान लो हाफ लाइफ होता है दैट इज 0.693 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, तो आप चाहो तो ये लैम्डा की वैल्यू रखोगे, सो लैम्डा की वैल्यू रखेगा तो हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाएगा बच्चे, ये ऊपर चला जाएगा शायद 0.6 टी हाफ ऊपर आ जाएगा और 0.963 नीचे रह जाएगा ना, एक सेकेंड, नहीं नहीं एक सेकेंड, हाँ ये तुम्हारा जी नहीं 0.963 नीचे रह जाएगा, तो उसको डिवाइड कर लो 2.303 से, एक सेकेंड को मैं डिवाइड कर लेता हूं,
2.303 डिवाइडेड बाय 0.693 तो ये कितना आ गया, दैट इज 3.323 लॉग बेस 10 एंड नॉट अपॉन एन. आर यू गेटिंग, ऐसे भी कर सकते हो. तो ये क्विक होता है. अगर मान लो फॉर्मूला समझ में आया बेटा, पी कॉपी कर लो, मतलब न्यूमेरिकल में तो मतलब कैसे करोगे, पहुंचोगे कैसे फॉर्मूले तक, अदरवाइज क्या होगा, आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको. अगर मान लीजिए आ ही गया सपोज न्यूमेरिकल, सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेप देख लो. फिर अब लास्ट फॉर्मूला तो निकाल दिया, अब वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, उसमें जो भी होगा. इसीलिए समझा ना आप लोग. नहीं नहीं एक मिनट, वन बाय लैम्डा, हाँ ठीक है. फर्स्ट स्टेप में साइन कैसे चेंज हुआ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई उसको नीचे लाके ऊपर ले गए, उसको नीचे लाके ऊपर ले गए. उसको नीचे लाके ऊपर ले गए ना बेटा, देखो ऐसे ऐसे, देखो देखो n इज इक्वल टू n नॉट, उसको नीचे लाएंगे तो नीचे प्लस हो जाएगा ना. अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आ गया ना. अरे ऊपर माइनस है, नीचे लाओगे तो प्लस हो जाएगा ना, समझा ना दिनेश. हाँ सर समझे. हो गया, यस सर. नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड. तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वगैरह कर ले क्या? यस सर. ठीक है चलो.